इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच्ड वायर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच्ड वायर इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू स्ट्रेच द वायर। जब हम किसी वायर के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा, वायर स्ट्रेच होगी और जो भी आपके पास वर्क डन होगा वो किसके रूप में होगा, इन दैट केस दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच्ड वायर। इसके लिए अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया कि हमने एक वायर ले ली जिसकी लेंथ एल है और उसको किसी रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग कर दिया, और जो ये वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कैपिटल ए ले लिया। मान लो इस वायर के ऊपर हम फोर्स एफ लगाते हैं तो उससे क्या होगा, ये वायर स्ट्रेच हो जाएगी और इसकी जो लेंथ में चेंज आया वो हमारे पास आ गया स्मॉल एल। तो टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, एल प्लस स्मॉल एल। इफ एल बी द लेंथ थ्रू विच द वायर इज स्ट्रेच देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगी, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी एल और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कैपिटल एल, और साथ में टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। सो इस तरह से अब हम निकालेंगे द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको हम वाई के साथ लिखते हैं, वो होता है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन आ जाएगी स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। अब कैपिटल एल न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये ए जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा एफ कैपिटल एल ओवर ए स्मॉल एल। थोड़ा इसको रीरेंज कर लेते हैं तो एफ हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू वाई ए एल ओवर एल, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम मान के चलेंगे कि इफ द वायर स्ट्रेच थ्रू अ लेंथ डी एल देन द वर्क डन इज गिवन वाई। अगर वायर जो है वो स्ट्रेच होती है कितनी लेंथ से, डी एल के साथ, तो वर्क डन जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स हमने एफ अप्लाई की और जो डिस्टेंस आएगा दैट इज डी एल, जो लेंथ उसकी बड़ी। सो दिस इज इक्वल टू, अब एफ की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई ए एल ओवर कैपिटल एल मल्टीप्लाई डी एल, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट, टोटल वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर थ्रू लेंथ एल कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशंस टू बिटवीन द लिमिट एल इज इक्वल टू जीरो टू एल इज इक्वल टू एल। जब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे कि वायर को हमने स्ट्रेच किया थ्रू लेंथ एल, तो हम जो ये इक्वेशन टू है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट एल इज इक्वल टू जीरो टू एल इज इक्वल टू एल। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आ जाएगी जीरो टू एल वाई ए ओवर कैपिटल एल एल डी एल, दिस इज इक्वल टू। अब जो डी एल स्मॉल एल वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी सारी बाहर आ जाएगी, तो हमारे पास ये बन जाएगा वाई ए ओवर कैपिटल एल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा जीरो टू एल लिमिट आ जाएगी एल डी एल, और इंटीग्रेशन जो होगी एल डी एल की वो हमारे पास आ जाएगी एल स्क्वेयर वाई टू। तो ये बन जाएगा वाई ए ओवर एल एल स्क्वेयर वाई टू लिमिट हो जाएगी जीरो टू एल, और दिस इज इक्वल टू, अब हम अपर लिमिट यहाँ पे भरेंगे पहले वाई ए एल, अपर लिमिट क्या है एल है तो यहाँ पे एल की जगह एल स्क्वेयर अपॉन टू, लोअर लिमिट जीरो है सो जीरो का स्क्वेयर वाई टू, ये बन जाएगा वाई ए ओवर एल और इधर एल स्क्वेयर वाई टू, क्योंकि ये सारा जो है जीरो हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा रीडेंस करके लिखेंगे, एल स्क्वेयर को एल मल्टीप्लाई एल करके लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाई ए एल ओवर कैपिटल एल मल्टीप्लाई एल वाई टू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाई ए स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पे हम वैल्यू यूज़ कर देंगे तो बन जाएगा वन वाई टू मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई एल। सो हमारे पास वर्क डन बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाई फोर्स मल्टीप्लाई एल दैट इज लेंथ। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई
स्ट्रेचिंग फोर्स मल्टीप्लाई इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर एट दिस वर्क डन स्टोर एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई एल. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच्ड वायर.